कुछ दिन पहले एक नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन लीड फिक्स करके लड़कियां देह व्यापार के लिए सप्लाई की जाती थी। तो ये लीड प्राप्त करके हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने इस लीड पे काम करना शुरू किया और एक कस्टमर की भूमिका बना के इस नंबर पे वार्ता करनी शुरू की लड़कियों की बुकिंग के लिए। और आज के लिए बुकिंग फिक्स की गई और इसमें हमने ट्रैप बिठाया और जो दो अभियुक्त थे जो लड़कियों को ड्रॉप करने आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी सामने आया वो ये था कि ये व्हाट्सएप से ही अपना बिजनेस चलाते थे। इनके पास कोई फिजिकल प्रेमिसेस नहीं था जहाँ ये देह व्यापार कर रहे थे, पर ये कस्टमर्स से 5,000 से लेकर 20,000 तक की डील स्ट्राइक करते थे और उसमें से 1500 रुपये प्रति ग्राहक जो लड़कियाँ सप्लाई करते थे उनको दिया जाता था। और जो प्रेमिसेस बुक करने की, चाहे होटल हो, गेस्ट हाउस हो, किसी का घर हो, फ्लैट हो, उसकी जिम्मेवारी कस्टमर पे ही छोड़ी जाती थी और ये मात्र अपनी गाड़ी में आकर लड़कियाँ ड्रॉप कर देते थे और फिर बाद में पिक करके ले जाते थे। तो इस संबंध में जो दो व्यक्ति लड़कियों को ड्रॉप करने आए थे, एक जो मूल रूप से नेपाल का निवासी है और दूसरा जो मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और दोनों अभी दिल्ली में रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके साथ एक और जो मुख्य आरोपी है जिसके साथ व्हाट्सएप पे वार्ता की गई थी उसको भी इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। और जो दो लड़कियां इनके साथ थी उनको भी अभी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि शायद वो ट्रैफिकिंग की विक्टिम्स हैं। उनमें से एक मूल रूप से नेपाल की निवासी हैं और एक मूल रूप से कोलकाता की निवासी हैं। तो इसमें मुकदमा थाना 58 में पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी सभी विधिक कार्रवाई। कितने पढ़े लिखे हैं मैम ये? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं मैम, पहले भी इनका रिकॉर्ड है। आपराधिक इतिहास गौतम बुद्ध नगर में और